जबलपुर जिले में अधिवक्ताओं ने राजरामपुर स्थित तहसील कार्यालय में गोरखपुर एसडीएम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और शीघ्र ही एसडीएम को जबलपुर संभाग से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की और उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। एसडीएम गोरखपुर मुर्दाबाद। गोरखपुर बीरेन सिंह जी के द्वारा लगातार अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जाता रहा, जिसकी शिकायत कलेक्टर अधिवक्ता संघ और जिला अधिवक्ता संघ में अनेक अधिवक्ताओं ने की और मेरे साथ भी जब ये घटना हुई तो मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो जिला अधिवक्ता संघ और कलेक्टर अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने मांग रखी थी कि माननीय एसडीएम महोदय का ट्रांसफर जिले से बाहर किया जाए, परंतु कलेक्टर साहब द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। आज इसी तारतम्य में हम लोगों ने कल से इनका फिर से बहिष्कार चालू किया। आज हमने एक दिवसीय धरना दिया है और हम प्रशासन को इस माध्यम आज के धरने के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाती हैं तो इस आंदोलन का रुख जो है बदल सकता है, हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो कलेक्टर यही धरना हम कलेक्ट्रेट में भी देंगे और आगे अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, किसी भी तरीके से आप कुछ भी करके इनको फील्ड से हटाइए, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहां पे पब्लिक डीलिंग का काम करने का अवसर में इनको मिलेगा।